देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालत बन चुके हैं। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए। कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई। असम के 6 जिलों में 121 गांवों के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित थे। दिल्ली में शनिवार को मौसम की पहली बारिश हुई, इससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली। फ्लैट की छत का प्लास्टर गिरने से 58 साल की एक महिला की मौत भी हो गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना के 2 जवानों के डोगरा नाले में डूबने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया भारी बारिश के चलते डोगरा नाला उफान पर है। दोनों जवान नाला पार कर रहे थे, तभी बहाव तेज होने की वजह से वे बह गए। उनकी तलाश जारी है। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 और 9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोक दी गई। भारी बारिश के बावजूद अब तक 84,768 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया था। हालांकि 5 घंटे बाद शुक्रवार शाम को इसे खोल दिया गया था। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।